बदायूं जिला जेल का जिला जज और डीएम ने किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान जेल में बैरकों में ली गई तलाशी, सुरक्षा के हालातों का भी लिया जायजा। पीएफआई पर बैन और जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट। लखनऊ के टीलेवाली मस्जिद के बाहर पुलिस बल तैनात, सभी जिलों में हाई अलर्ट के निर्देश। चंडीगढ़ के बाद कानपुर में एमएमएस कांड। प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में एमएमएस कांड, सफाई कर्मी ने बनाया अश्लील वीडियो, आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, गांधी जयंती पर ग्रामीण परिवारों को मिलेगा तोहफा। जल शक्ति विभाग ग्रामीणों को देगा अनोखा तोहफा। 75,000 ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन मिलेगा। जल शक्ति मंत्री ने 2 अक्टूबर तक तय किया है लक्ष्य। गांव गांव तक पहुंचाएंगे स्वच्छता और स्वदेश संदेश स्वतंत्र। बड़ी खबर लखनऊ से, गांधी जयंती पर ग्रामीण परिवारों को तोहफा मिलने वाला है। जल शक्ति विभाग ग्रामीणों को अनोखा तोहफा देगा। 75,000 ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन मिलेगा। जल शक्ति मंत्री ने 2 अक्टूबर तक का लक्ष्य तय किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। ग्रामीण परिवारों को इस बार गांधी जयंती के मौके पर तोहफा मिलने वाला है, अनोखा तोहफा जल शक्ति विभाग की ओर से। 75,000 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिलेगा। जल शक्ति मंत्री ने 2 अक्टूबर तक का लक्ष्य तय किया है। गांव गांव तक पहुंचाए जाएंगे नल कनेक्शन। बड़ी खबर, गांधी जयंती पर ग्रामीण परिवारों को अनोखा तोहफा मिलने वाला है। जल शक्ति विभाग इस बार ग्रामीणों को नल कनेक्शन देकर के एक अनोखा तोहफा देने वाले हैं ग्रामीणों को। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ के बाद अब कानपुर में एमएमएस कान प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में एमएमएस कान, सफाई कर्मी ने अश्लील वीडियो बनाया और आपको एमएमएस बनाने वाले सफाई कर्मी गिरफ्तार कर लिए गए। छात्राओं ने सफाई कर्मी को मौके पर पकड़ा है। आरोपी के मोबाइल में कई क्लिपें मिली हैं। आक्रोशित छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है इस घटना के बाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अब चंडीगढ़ के बाद एक बार कानपुर में फिर से एमएमएस कांड। प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में एमएमएस कांड हुआ है, जहां पर एक सफाई कर्मी ने लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए हैं। सफाई कर्मी के मोबाइल से कई सारे क्लिपें बरामद की गई हैं, कई सारे अश्लील वीडियो उनके फोन से मिला है। इसके बाद इस घटना पर गर्ल्स हॉस्टल की जो छात्राएं हैं वो खूब जमकर हंगामा किए हैं। सफाई कर्मचारी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। चंडीगढ़ के बाद अब एक बार फिर से कानपुर में एमएमएस कांड। प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में एमएमएस कांड एक बार दोहराया गया है। चंडीगढ़ के बाद सफाई कर्मी ने अश्लील वीडियो बनाया। तो वहाँ पे आज जब सुबह जो सफाई करने वाला आया था, तो सुबह एक लड़की नहा रही थी, तो उसने चेक किया कि वो शूट कर रहा था उसकी वीडियो। तो उसके बाद जब उस ये सब शोर वगैरह हुआ तो पता चल, मतलब कि उसको पुलिस वगैरह के पास फ़ोन किया हम लोगों ने 1090 पे। तो उसके बाद फ़ोन चेक हुआ तो उसमें पता चलता उसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं कि जो उसने शूट की रखी थी हम लोग की। उसने पता नहीं कितनी, लेकिन काफ़ी सारी थी। स्क्रॉल करते काफ़ी सारी उसने डिलीट भी कर दी थी। बदायूं में डीएम दीपा रंजन समेत जिला जज और एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था देखने के साथ ही वहां पर निरुद्ध कैदी व बंदियों से भी वार्ता कर उनकी समस्याएं पूछी। अफसर भारी मात्रा में पुलिस बल लेकर अचानक जेल पर जा पहुंचे। यहां पर जेल प्रशासन से सुरक्षा के हालात का जायजा लिया, जबकि खुद भी भीतर जाकर स्थिति का आकलन किया। इसके बाद बैरकों की स्थिति देखी, संदिग्ध बंदियों के सामान की भी तलाशी ली गई। बदायूं में डीएम दीपा रंजन समेत जिला जज और एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था देखने के साथ ही वहां निरुद्ध कैदी और बंदियों से पूछताछ की गई, उनकी समस्याओं से रूबरू हुए।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, पीएफआई बैन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो का ट्वीट। मायावती ने आरएसएस को बैन करने की मांग की, चुनाव के पहले संगठनों पर हो रही है कार्रवाई। मायावती का कहना है राजनीतिक स्वार्थ के चलते कार्रवाई हो रही है, लोगों में संतोष कम और बेचैनी ज्यादा है। विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मान रही है। आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है। मायावती का कहना है पीएफआई जैसे अन्य संगठनों पर बैन क्यों नहीं है, मायावती का ये सवाल है। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, पीएफआई बैन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो का ट्वीट है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते कार्रवाई हो रही है, मायावती ने आरएसएस को बैन करने की मांग की है, चुनाव के पहले संगठनों पर हो रही है कार्रवाई, राजनीतिक स्वार्थ के चलते कार्रवाई की जा रही है, लोगों में संतोष कम और बेचैनी ज्यादा है, मायावती का कहना है। उन्होंने ट्वीट किया है विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मान रही है। आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम की जा रही है। पीएफआई जैसे अन्य संगठनों पर आखिर बैन क्यों नहीं है, मायावती ने ट्वीट किया है। पीएफआई बैन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो का ट्वीट, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते ये कार्रवाई हो रही है, लोगों में संतोष कम और बेचैनी ज्यादा है। मायावती ने आरएसएस को बैन करने की मांग की है, उनका कहना है कि चुनाव के पहले संगठनों पर कार्रवाई हो रही है। पीएफआई पर बैन और जुमे की नमाज को लेकर हुए यूपी में अलर्ट घोषित किया गया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। टीले वाली मस्जिद में एसडीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा और कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। पीएफआई पर बैन और जुमे की नमाज को देखते हुए यूपी में अलर्ट घोषित किया गया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। टीले वाली मस्जिद में एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा और कई अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। लखनऊ से बड़ी खबर, आगामी त्योहारों के मद्देनजर पीस मीटिंग की गई। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में पीस मीटिंग हुई। डीएम ज्वाइंट सीपी एलएनओ डीसीपी वेस्ट एडीसीपी मौजूद रहे। मौलाना खालिद रशीद भी पीस मीटिंग में मौजूद हुए। पुलिस प्रशासन ने आपसी भाईचारा कायम रखने की अपील की। सोशल मीडिया पर जनता अफवाहों पर न ध्यान दे, जेसीपी का कहना है माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर, आगामी त्योहारों के मद्देनजर पीस मीटिंग की गई। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में हुई मीटिंग जिसमें कि डीएम ज्वाइंट सीपी एलएनओ डीसीपी वेस्ट एडीसीपी मौजूद रहे। मौलाना खालिद रशीद भी पीस मीटिंग में मौजूद हुए। पुलिस प्रशासन ने आपसी भाईचारा कायम रखने की अपील की। सोशल मीडिया पर जनता अफवाहों पर ना ध्यान दे, जेसीपी का कहना है। जेसीपी ने लोगों से अपील की है सोशल मीडिया पर जनता अफवाहों पर ना ध्यान दे, माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर, आगामी त्योहारों के मद्देनजर पीस मीटिंग की गई जिसमें इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में पीस मीटिंग हुई जिसमें कि डीएम ज्वाइंट सीपीएनएलओ डीसीपी वेस्ट एडीसीपी मौजूद रहे। मौलाना खालिद रशीद भी इस पीस मीटिंग में शामिल हुए। पुलिस प्रशासन ने आपसी भाईचारा कायम रखने की लोगों से अपील की। वहीं जेसीपी का भी यही कहना था कि सोशल मीडिया पर जनता अफवाहों पर ना ध्यान दे। जेसीपी का सख्त आदेश है, माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दो अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिसको लेकर मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब और जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया और साथ ही सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाएगी। पूरे देश में गांधी जी की जयंती मनाई जाएगी। तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है।
जिसको लेकर मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने भी कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया है और साथ ही सभी तैयारियों को समय से पूरा कर लेने के लिए भी निर्देश दिए हैं। 2 अक्टूबर यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को लेकर के तैयारियां अब तेज हैं, जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया है और साथ ही सभी तैयारियों को समय से पूरा कर लेने के भी निर्देश दिए हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज से बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को एचसी से बड़ा झटका। आपको बताएं, दुष्कर्म मामले में स्वामी चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से झटका मिला है। निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। 30 अक्टूबर तक सरेंडर करने को हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। प्रयागराज से बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। दुष्कर्म मामले में स्वामी चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से झटका मिला है। निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया गया है। 30 अक्टूबर तक सरेंडर करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। दुष्कर्म मामले में स्वामी चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से झटका मिला है। निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। 30 अक्टूबर तक सरेंडर करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। बड़ी खबर प्रयागराज से, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। यार रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। डिप्टी सीएम राजेश पाठक कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधिवत तरीके से भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा की पूजा की और साथ ही दीप प्रज्वलित कर माला और चीवर भी अर्पित किया। इसी के साथ ही उन्होंने
कसिया कसाड़ा भवन में निर्मित मीटिंग हॉल का निरीक्षण किया, जिसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभागीय कार्यों पर चर्चा की। डिप्टी सीएम ने शौचालय निर्माण की प्रगति को जाना और साथ ही हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया और जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए मरीजों से मिले और मरीजों का हाल भी जाना। अपने ताबड़तोड़ निरीक्षणों की कड़ी में ब्रजेश पाठक ने मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग हॉस्टल और हॉस्पिटल भवन निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दतिया में मां पीताम्बरा के दर्शन करने के बाद झांसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने पिछले दिनों लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर की गई टिप्पणी पर पलटवार कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले तो सभी ये जान लें कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी हो या फिर बदमाश हो, उनकी सरकार उन्हें नहीं छोड़ेगी। उनकी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, पूजा नहीं होती। अखिलेश यादव अपराधियों दंगई माफियाओं के सरगना हैं और उनकी ओर से इस तरह के बयान आना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। वे रोज इस तरह के बयान देते हैं। वे अगर अपराधियों का साथ छोड़ दें तो उनके पास ऐसा कोई भी विरोधी मुद्दा ही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अपराधी होगा, कोई भी माफिया होगा, हमारी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनकी पूजा नहीं होती है। नंबर एक, और श्री अखिलेश यादव जी चूंकि अपराधियों के सरगना है, माफियाओं के सरगना है, दंगाइयों के सरगना है, तो उनके द्वारा इस प्रकार के बयान आना कोई मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगता। वो रोज इस प्रकार के बयान देते हैं। नोएडा से बड़ी खबर, थाना सेक्टर 63 पुलिस को मिली कामयाबी, अंतर्राज्यीय पशु चोरों को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 315 बोर के तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर नोएडा से, थाना सेक्टर 63 पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, अंतर्राज्यीय पशु चोरों को गिरफ्तार किया गया है। 315 बोर के तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किए गए हैं। नोएडा सेक्टर 63 पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, अंतर्राज्यीय पशु चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 315 बोर के तमंचे, जिंदा कारतूस और चाकू अपराधी के पास से बरामद किए गए हैं। नोएडा सेक्टर 63 पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, अंतर्राज्यीय पशु चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 315 बोरे के तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किए गए हैं। पुलिस हालांकि इनसे लगातार पूछताछ कर रही है और आगे इनके साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं ये भी पूछताछ में सामने निकल कर आएगा। बदायूं में गैंगस्टर चंद्रसेन की संपत्ति पर योगी सरकार का हंटर चल गया है। मामला थाना मुजरिया के ग्राम बक्सर का है, जहां पर गैंगस्टर चंद्रसेन की 18,65,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। जब से योगी सरकार दोबारा सत्ता में आई है, तब से गुंडे माफियाओं के खिलाफ सरकार का रवैया सख्त रहा है, चाहे वो छोटा अपराधी हो या फिर बड़ा। योगी सरकार में सख्त आदेश है कि गुंडे माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, और इसी सिलसिले में बदायूं जिलाधिकारी के आदेश पर थाना मुजरिया की ओर से गैंगस्टर चंद्रसेन की थाना सहसवान में 18,65,000 रुपए की अचल संपत्ति को भी जब्त किया गया है। बदायूं में गैंगस्टर चंद्रसेन की संपत्ति पर योगी सरकार का हंटर चल चुका है। मामला थाना मुजरिया के ग्राम बक्सर का है। गैंगस्टर चंद्रसेन की 18,65,000 रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। जब से योगी सरकार दोबारा सत्ता में आई है, तब से गुंडे माफियाओं के खिलाफ सरकार का रवैया सख्त रहा है, चाहे वो छोटा अपराधी हो या फिर बड़ा। योगी सरकार में सख्त आदेश है कि गुंडे माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। कन्नौज से बड़ी खबर, टॉक टू एसपी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। पुलिस अधीक्षक ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टॉक टू एसपी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। पुलिस अधीक्षक ने इस प्रोजेक्ट की
शुरुआत की। थानावार जगह चिन्हित कर लगवाए जाएंगे बॉक्स, फरियादी लिखकर डाल सकते हैं अपनी समस्याएं। एसपी ऑफिस से डायरेक्ट कनेक्ट होगा ये बॉक्स, पहले फेज में लगाए 20 बॉक्स एसपी का कहना है। बड़ी खबर आपको बता रहे कन्नौज से, जब टॉक टू एसपी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसके तहत लोग अब एसपी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। एक बॉक्स होगा, यूं कहें तो एक कंप्लेंट बॉक्स या फिर सुझाव बॉक्स, जिसके अंदर लोग कोई भी अपनी समस्या हो या सुझाव हो वो डाल सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं एसपी से, अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं इस प्रोजेक्ट के जरिए। पुलिस अधीक्षक ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। थानावार जगह चिन्हित कर लगवाए जाएंगे बॉक्स, फरियादी लिखकर डाल सकते हैं अपनी समस्याएं। एसपी बॉक्स से डायरेक्ट कनेक्ट होगा ये बॉक्स, पहले फेज में 20 बॉक्स लगाए जाएंगे एसपी का कहना है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टॉक टू एसपी प्रोजेक्ट की शुरुआत, पुलिस अधीक्षक ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। थानावार जगह चिन्हित कर लगवाए जाएंगे बॉक्स, फरियादी लिखकर डाल सकते हैं अपनी समस्याएं। एसपी ऑफिस से डायरेक्ट कनेक्ट होगा ये बॉक्स, पहले फेज में 20 बॉक्स लगाए जाएंगे। आम जनता के फीडबैक पर शुरू किया जा रहा है, इसका नाम है टॉक टू योर एसपी, यानी कि पुलिस अधीक्षक से बात करें। इसके तहत कुछ बॉक्सेस महत्वपूर्ण स्थलों पर लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज पुलिस ऑफिस से की गई है। इन बॉक्सेस के माध्यम से आम जनता कोई भी सूचना, अपनी कोई भी समस्या या किसी प्रकार की कोई गोपनीय सूचना इस बॉक्स में डाल के पुलिस अधीक्षक तक, जनपद कन्नौज पुलिस तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें सेम डे इसको संज्ञान में लेके 3 दिवस के भीतर कार्रवाई करने का लक्ष्य रखा गया है। बुलंदशहर देहात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कंपनी मैनेजर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। बता दें कि कामा ट्रांसपोर्टर सॉल्यूशन लिमिटेड के गोदाम से बीते दिन लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चोरी किया गया था। जानकारी के मुताबिक डुप्लीकेट चाबी से गोदाम का ताला खोलकर लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चोरी कर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस मैनेजर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक गोडाउन था, जिसमें कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स स्टोर किए गए थे, जिसमें चोरी हुई थी और जिसमें कि वहाँ पे स्टोर्ड बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम गायब हुआ था। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जब विवेचना की गई तो आज उसी क्रम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। कन्नौज से बड़ी खबर, बीमा अभिकर्ताओं का धरना, 41 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छिबरामऊ स्थित LIC की सैटेलाइट शाखा पर धरना प्रदर्शन किया गया, काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीमा अभिकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, 41 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छिबरामऊ स्थित LIC की सैटेलाइट शाखा पर धरना, काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया गया, सरकार की नीतियां एजेंट और धारकों के खिलाफ, मांग पूरी न होने तक धरना देने की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीमा अभिकर्ताओं का धरना, 41 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छिबरामऊ स्थित LIC की सैटेलाइट शाखा पर धरना दिया, काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया, सरकार की नीतियां एजेंट और धारकों के खिलाफ है, ऐसा इनका कहना है। मांगे पूरी नहीं होने तक धरना देने की चेतावनी दी है। इतनी मांगे हैं, पार्टी इतनी मांगे हैं, हमारी पार्टियों के लिए जो बोनस रेट है वो बढ़ाया जाए। अभी तक कोई भी बोनस रेट नहीं बढ़ाया गया, लगातार कम हो रहा है। और उसकी जो विलंब शुल्क है उस पर भी GST ली जाती है, तो GST कम की जाए, अभिकर्ताओं की GST रात बढ़ाई है, अभिकर्ता का मेडी क्लेम बढ़ाया जाए, साथ में उनके बच्चों को जोड़ा जाए। हम यहाँ शिवरामऊ सैटेलाइट ऑफिस शिवरामऊ में धरना दे रहे हैं और 1 सितंबर से धरना दे रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं, हमारा बोनस, जनता का जो बोनस है वो बढ़ना चाहिए
और एजेंट को जो कमीशन से लेके रिलेटेड है उसमें वो बदलाव नहीं होती। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।